मुंबई में डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर देर रात एक कार में अचानक आग लग गई। चलती कार में धुआं निकलते देख ड्राइवर ने हाईवे पर ही कार रोक दी और फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, लेकिन जब तक दमकल की टीम आती कार आग के गोले में तब्दील हो गई थी। जिस वक्त कार जल रही थी उसी वक्त महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे वहां से गुजर रहे थे। शिंदे ने फौरन अपनी गाड़ी रुकवाई और पुलिस को कार में सवार लोगों की मदद के निर्देश दिए। राजस्थान के अजमेर में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। भीड़ ने गहलोत सरकार को दो मंत्रियों को भाषण देने से रोकने की कोशिश की। मंत्री अशोक चंद्रान पर बोलने के दौरान जूते तक फेंके गए। लोगों ने सचिन पायलट के समर्थन में जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद अशोक चंद्रान ने भी ट्विटर के जरिए सचिन पायलट को सीधा चैलेंज किया। हरियाणा के कैथल में 1.5 किलो का आईईडी बरामद हुआ है, जिसे काफी मशक्कत के बाद बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया। विस्फोटक की यह खेप पाकिस्तान के जरिए पंजाब के रास्ते हरियाणा भेजा गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और विस्फोटक रखने वाले की तलाश कर रही है। हैदराबाद में भारी बारिश के बीच दर्दनाक हादसा हुआ। वहां पानी की तेज धार में कार में एक सवार महिला और उसके दो बच्चे बह गए। उन्हें खोजने के लिए लोगों की मदद से पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध अस्पतालों, नर्सिंग होम, पैथ लैब्स और मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। विभाग ने मानक पूरे न करने वाले नर्सिंग होम और डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई की। पूरे जिले में 41 अस्पतालों को जहां सील किया गया तो 33 नर्सिंग होम को नोटिस जारी किया गया है। जांच में कई मेडिकल स्टोर भी बिना लाइसेंस के दवा की बिक्री करते पाए गए। यूपी के शाहजहांपुर में हाईवे किनारे बस रोककर नमाज पढ़ने को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने इस मामले में 20 मुस्लिमों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। हालांकि उनको थाने से ही जमानत मिल गई। ये सभी ज्वायरीन वेस्ट बंगाल से अजमेर जा रहे थे। इसी बीच शाहजहांपुर के कपसेड़ा गांव के पास हाईवे किनारे बस खड़ी कर नमाज अदा करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। यूपी के फतेहपुर में नाबालिग हिंदू लड़की का धर्मांतरण कर निकाह करने का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने निकाह करने वाले मौलाना हाफिज मोहम्मद निजामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। इस केस का मुख्य आरोपी मोहम्मद जुनैद को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। मामले में आरोपी की मदद करने वाले दो और लोगों की तलाश की जा रही है। उत्तराखंड के बाशपुर में एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हैं। ये हादसा उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार बाइक और कार की भिड़ंत हो गई। बाइक पर 5 लोग सवार थे। बाशपुर में केलाखेड़ा का रहने वाला इमरान अपनी बहन और उसके 3 बच्चों को बाइक पर लेकर जा रहा था, उसी वक्त ये हादसा हुआ। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस ने एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया। डॉक्टर पर ट्रेनी नर्स के साथ रेप करने का आरोप है। नर्स नाबालिग थी। डॉक्टर ने बहला फुसलाकर नर्स को झांसे में लिया और अस्पताल के अंदर ही रेप किया। डॉक्टर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तीनों पर नाबालिग से गैंगरेप का आरोप है। ये लड़की रात 8:30 बजे अपने घर जा रही थी, तभी एक लड़के ने लड़की को बाइक पर बिठाया और अनजान जगह जाकर अपने 2 दोस्तों को भी बुला लिया। तीनों ने नाबालिग से गैंगरेप किया। राजस्थान के झालावाड़ में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। ये मौत असनावर, खानपुर, मंडावर और दांगीपुरा थाना क्षेत्र में हुई। वहीं उदयपुर में भी आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। लखनऊ में एक निर्माणाधीन रिसर्च सेंटर की दीवार गिर गई। इसके मलबे में दबकर 4 मजदूर घायल हो गए। सभी घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच में जुटी है। अमेठी के चारागाह की जमीन पर बनाए गए अवैध मदरसे को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर धराशायी कर दिया। उस दौरान कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद रही। लेखपाल की रिपोर्ट के बाद तहसील प्रशासन ने मदरसा मालिक को नोटिस जारी किया था, साथ ही 2,24,000 का जुर्माना भी लगाया गया था। विवाद के बाद मदरसा पिछले 2 साल से बंद था। इंदौर में एक रिटायर्ड फौजी ने इलेक्ट्रीशियन को गोली मार दी, जिससे इलेक्ट्रीशियन की मौत हो गई। दरअसल फौजी ने इलेक्ट्रीशियन को टीवी रिपेयर करने को दिया था, लेकिन समय पर टीवी रिपेयर नहीं होने की वजह से फौजी को गुस्सा आया। लाइसेंसी पिस्टल से उसने इलेक्ट्रीशियन की हत्या कर दी। गाजियाबाद में हत्या के आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उसके गले में एक तख्ती लगी थी जिसमें लिखा था कि वो अब आगे से क्राइम नहीं करेगा। 9 सितंबर को इस आरोपी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर एक मर्डर किया था। 2 आरोपी पकड़े गए थे लेकिन ये फरार था, लेकिन एनकाउंटर के डर से इसने पुलिस थाने जाकर सरेंडर कर दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।